सरकार को बोलते हैं, लेकिन हम लोग का मजबूत कर दिए, सड़क बढ़िया से बना दीजिए, नहीं तो हम लोगों का बहुत मार भी जाता है, बीमार होता है तो मार भी जाता है, कैसे लड़ने का। जब ये जो सरकार इतना जो वादा करती है सरकार की, आज हम जीत जाएंगे इलेक्शन में तो हम ये रोड बनवा देंगे, सड़क का निर्माण करवा देंगे, तो इनसे कुछ सुधार लगता है? नहीं, खाली मीठा मीठा बोली है, ये वोट मांगने गड़ में आता है, ये करेंगे, हम करेंगे, ये बढ़िया करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ भी इसके पीछे, ये वोट देने का पीछे तो कोई भी देखने वाला नहीं है। जानते हैं हमारे झारखंड की राजनीति कहां पर आकर अटक गई? अगर नहीं तो आपको बता दें कि हमारे झारखंड में भी राजनेता अब शहर के लोगों को खुश करने में लगे हुए, जबकि अगर आप ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में जाएंगे तो स्थिति बद से बदतर देखने को मिलेगी। इसी क्रम में हमारे संवाददाता अमरेंद्र कुमार झा पहुंच गए साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड अंतर्गत सिमड़ा पंचायत के तारा पहाड़ से लेकर धोड़ा पहाड़ तक की सड़क की स्थिति देखने, जिसको तस्वीर में आप देख सकते हैं। आपको बता दें यह सड़क एक नेशनल हाईवे जो साहिबगंज को सीधे दुबई, अफगानिस्तान, मलेशिया, बैंकॉक जैसे बड़े बड़े जगहों से जोड़ता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप सड़क की स्थिति देख सकते हैं। यह तंजी नहीं है, यह तमाचा है उन नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर जो वादा कर आसानी से भूल जाते हैं। बताते चले कि धोड़ा पहाड़ के पहाड़िया समुदाय के लोग आजादी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित। आइए आपको दिखाते हैं साहिबगंज से हमारे संवाददाता अमरेंद्र झा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आज तक, मैं अमरेंद्र कुमार झा। आज साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के मंडरो ब्लॉक के अंतर्गत तारा पहाड़ के समीप आज कुछ आदिवासी समुदाय, पहाड़िया समुदाय के आदमी लोग यहां उपस्थित हैं। आइए इनसे रूबरू करते हैं, कुछ समस्या इनके सामने में है, इनसे बातचीत करते हैं। कौन सा पंचायत है ये? हम लोग से जोंडा पहाड़ है, लेकिन पचतनी पंचायत का, लेकिन हम लोगों का आने जाने का रास्ता बहुत खराब है। अच्छा, इसलिए हम लोग कोई भी बीमारी होता है बच्चे को, बड़े को, तो उस समय में ला नहीं सकते हैं, मार जाता होता है। इसलिए हम लोग ये तो रास्ता है, अभी कुछ तो सूखा है, लेकिन जब बारिश हो जाती होगी तो कितना तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तकलीफ है बहुत, ये टली होता है, लेकिन नहीं आ सकते हैं। तो ये जो सरकार इतना जो वादा करती है सरकार की, आज हम जीत जाएंगे इलेक्शन में तो हम ये रोड बनवा देंगे, सड़क का निर्माण करवा देंगे, तो इनसे कुछ सुधार लगता है? नहीं, खाली मीठा मीठा बोली है, ये वोट मांगने गड़ में आता है, ये करेंगे, हम करेंगे, ये बढ़िया करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ भी इसके पीछे, ये वोट देने का पीछे तो कोई भी देखने वाला नहीं है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने अंदाज में कि सरकार क्या उपलब्धि करा दे आपको, जो इस सड़क जल्दी से जल्दी बन जाए? हाँ, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को बोलते हैं, लेकिन हम लोग का मजबूत कर दिए, सड़क बढ़िया से बना दीजिए, नहीं तो हम लोगों का बहुत मार भी जाता है, बीमार होता है तो मार भी जाता है, कैसे लाने का। जब बारिश में आप कोई अगर डिलीवरी पेशेंट रहता रहेगा प्रसव कराने के लिए, तो आप लोग कैसे लेके जाते होंगे? बहुत मुश्किल है। जब डिलीवरी पेशेंट रहता होगा आपके गांव में, आपके इलाके में, तो आप लोग इस रास्ते से कैसे लेके जाते होंगे? कंधे पे लाते हैं। कंधे पे? हाँ, खाट में बिछा के कंधे पे लाते हैं। तो उस समय कैसा लगता होगा कि आज हमारे समाज का, हमारे इलाके का जितना इतना मतलब परेशानी होता है, तो आप कुछ सरकार को कहना चाहेंगे? हाँ, हम कहना चाहते हैं कि सरकार अच्छा बने, अच्छा सरकार, अच्छा रोड बना के दे। सभी सरकार को वोट देते हैं, सभी सरकार बोलता है हम लोग अच्छा करेंगे, सभी सरकार बोलता है। तो आज सरकार बनने से कितना दिन हो गया? चार साल नहीं, अभी 2 साल हुआ है। दो साल के कार्यकाल में इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे बाबा आप? बाबा बोलिए। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, चलिए बहुत खुशी की बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, सही मान में हम लोग का डोंडा गांव का पहाड़िया लोग मैंने भूख के समय में भी हम लोग लकड़ी मत्ते पर में लाते हैं, बहुत परेशान टेमना के बराबर का दो है, और बीमार जो पड़ता है हम लोग के बच्चा सब, बच्ची सब, बूढ़ा बूढ़ी सब, तो उन लोग को लाने में भी बहुत परेशान। वो उसको किस बार में तो कंधा पार में, किस टाइम में तो ये काट पार में बिछा करके वो टांग करके ले जा रहे हैं अस्पताल। एम्बुलेंस का सुविधा यहाँ तक उपलब्ध नहीं है? नहीं है, बहुत तकलीफ में हम लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग को रोड चाहिए, अच्छा रोड चाहिए, ढलाई रोड चाहिए।
ये कहाँ तक, ये रास्ता कहाँ तक गया है? ये हम लोगों का गांव के आगे मैंने संताली गांव है, दो टोला। अच्छा, एक तो चितन टोला की बोलता है, एक तो बतान टोला, और हम लोगों का आगे और भूरकुंडी कंडरू पहाड़ है। अच्छा, वहाँ तक है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप अपने अंदाज में? कि हम लोग चाहते हैं कि मैंने रोड मैंने क्लियर होना चाहिए, रोड क्लियर होना, हाँ रोड क्लियर होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? क्या मेरा नाम मुरिया पाड़िया। अच्छा, ये रास्ते के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोगों को बहुत दिक्कत है रोड, हम लोगों को बहुत इतना परेशानी, हम लोग आते हैं रात को यानी दिन को, हम लोग खादा में हम लोग बहुत मेहनत से हम लोग अटिया बाजार करते हैं, बीमारी कराने चलते हैं, हमें दिक्कत रोड नहीं आता, इसलिए हम दिक्कत है हम लोग पूरा, यही हम लोग मानते हैं। तो इस रास्ते में ऐसा ही पूरा रास्ता है, पूरा एकदम गड्ढा है। ये कितने दिन से आप लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं? पूरा बरसात। कितने दिन से? ये कुछ दिन पहले बना था ये रास्ता? बना हुआ था ना, कि जंगल था लेकिन बाद में बना हुआ। अच्छा, जंगल था। हाँ। लेकिन ये रास्ता जब ये कादा में तब्दील हो गया, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया, आप लोग को घर बनाना होता होगा तो कैसे ले जाते हैं यहाँ से सामान? दिक्कत। कैसे, वहीं से उस रोड से ही मतलब कंधे पे लेके जाते हैं? नहीं, ट्रैक्टर जा धीरे धीरे सही। ठीक है, आप पहाड़िया समुदाय से खास बातचीत हुई हमसे, तो आप शायद इस समस्या को अपने अंदाज में देखे होंगे और इस समस्या का रूबरू आप खुद से सुने होंगे, और देखते हैं सरकार कहां तक इन समस्याओं के ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखेगी। धन्यवाद। समाचार आज तक से अमरेंद्र कुमार झा की रिपोर्ट।